दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। दोस्तों ये दोनों टीमें ना आमने सामने, और आपको एक बात बताऊं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है ना तो लड़ाई होती है वो 9-11 की होती है। 9-11 की कैसे होती है, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ओवरऑल इनके बीच में अभी तक 20 मैच खेले गए, जिसमें से दिल्ली कैपिटल ने 9 मैच जीता और सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 मैच जीता। तो लड़ाई हुई ना 9 और 11 की। दोस्तों क्या होगा आज के मैच में, क्या ये जो लड़ाई है 9-11 की ये 10 और 11 की हो जाएगी या फिर 9-12 की हो जाएगी, आगे जानेंगे। अगर हम IPL 2021 पिछले सीजन की बात करें, इनके बीच में जो 2 मैच खेला गया था, दोनों ही मैच दिल्ली कैपिटल ने हैदराबाद को हरा दिया था। यानी पिछले सीजन दिल्ली वालों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करी थी हैदराबाद के सामने। मई के महीने में इनके बीच में 9 मैच खेला गया, जिसमें से 4 मैच दिल्ली ने जीता, 5 मैच हैदराबाद ने जीता। यानी मई के महीने में कहीं ना कहीं जो मामला है ना वो बराबरी का नजर आ रहा है। थर्सडे के दिन इनके बीच में 5 मैच खेला गया, जिसमें से 1 मैच दिल्ली ने जीता, 4 मैच हैदराबाद ने जीता। यानी जो थर्सडे का दिन होता है ना, हैदराबाद बहुत ही ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है दिल्ली के सामने। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें, दिल्ली कैपिटल ने 3 और हैदराबाद ने बस 2 मैच जीता। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट 5 मुकाबले की बात करें, तो बिल्कुल थोड़ा सा दिल्ली किससे, हैदराबाद से आगे नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों आगे तो आगे होता, फिर चाहे थोड़ा हो या फिर ज्यादा, लेकिन पिछले सीजन की बात करें दिल्ली वालों ने हैदराबाद को बहुत ही धोया था। तो क्या दिल्ली वाले फिर से वैसी दमदार परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे और करेंगे एक बार फिर से मैदान फतेह और हैदराबाद को फिर से हरा के वापस भेज देंगे, या फिर हैदराबाद बोलेगा इस बार ना कहानी हम पलटेंगे, कहानी बदलने आए हैं, करेंगे पलटवार, लेंगे पिछली हारों का बदला और जीतेंगे आज का मैच। आप यही जानना चाहते हैं ना, तो पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देख लें, आपको पता चल जाएगा जो आज का मैच होगा ना कौन सी टीम कर पाएगी अपने नाम। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करें। ओके स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं बने, तो भाई लोग आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, आप सभी का वेलकम है और गले लग जाओ। और सभी लोग अब करते हैं मिलकर वीडियो को लाइक, जब आप लाइक करते हैं तो यहाँ दिल पे बात लगती है, इसलिए आपका भाई ना आपके फायदे के लिए टेलीग्राम पर जान लगा देता है जान। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया ना बहुत ही फायदे में, आपने ज्वाइन नहीं किया तो बड़े बड़े फायदे मिस कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे अच्छा भाई ऐसा क्या है टेलीग्राम पर, तो भाई साहब मेरी मत मानो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। IPL के 4-5 मैच में मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा। आप बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया यार, तो कोई बात नहीं, IPL के बहुत कम मैच बचे हैं, उन सभी मैचों में आपको फायदे में रहना, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डाले। बस एक चीज का ध्यान रखे, फेक से सावधान। मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए, और आपको पता जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो सही जगह कैसे आएंगे, इधर उधर और कहीं से टेलीग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो भाई लोग अगर हम इस मैच की बात करें, थर्सडे 5 मई इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें ना, हैदराबाद ने 2 मैच खेला, दोनों जीत गया, मतलब हैदराबाद को जो ब्रेबोर्न का मैदान है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दिल्ली कैपिटल की बात करें, 5 मैच खेला है, 3 मैच जीता, 2 मैच हारा ब्रेबोर्न के मैदान पर। यानी दिल्ली कैपिटल यहाँ के मैदान पर 1 मैच जीतता है तो 1 मैच हार जाता है। दिल्ली वर्सेज हैदराबाद की बात करें तो यहाँ के मैदान पर ये दोनों टीमें ना पहली बार आमने सामने होंगी। और दोस्तों अगर हम IPL 2022 की बात करें, यहाँ के मैदान पर अभी तक 11 मैच खेले गए, जिसमें से 4 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ और 7 मैच में टारगेट चेज हुआ। यानी यहाँ के मैदान पे इस IPL में ज्यादातर मैचों में क्या हो रहे हैं, टारगेट चेज हो रहे हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 177, 177 रन टारगेट चेज की बात करें 169, 169 से नीचे स्कोर बनेगा ना 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 185, 185 प्लस स्कोर बनेगा 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 169 से 185 के बीच में टारगेट होगा, आप समझ जाना मामला बिल्कुल बराबरी का है, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम आज की मैच की बात करें ना, ये जो मैच होने वाला है यहाँ के मैदान पे वो हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। क्यों, ऐसा क्या है जो आज का मैच हाई स्कोरिंग होगा, तो दोस्तों यहाँ का जो पिच है ना बिल्कुल फ्लैट है, बैटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है। और दोस्तों यहाँ पे सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत ड्यू भी आ सकती है, तो बल्लेबाजी करना थोड़ा भी आसान हुई हो जाता है, इसलिए जो टीम चेज करती है वो थोड़ा सा मैचेस ज़्यादा जीतती है। हेल्प की बात करें जो गेंदबाज थोड़ा सा वेरिएशन करते, कभी नकल, कभी स्लोवर, कभी ये कभी वो, तो उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, नहीं तो बैटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है यहाँ का पिच। तो दोस्तों यहाँ के मैदान पर कौन सी ऐसी टीम है जो बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाली है, बोलेगी हम ना जीत का झंडा गाड़ने आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली कैपिटल की, जिन्होंने अभी तक 9 मैच खेला, 9 में से 4 जीते, 5 हारे, इनके 10 पॉइंट्स हैं। दोस्तों इनको बचे हुए 5 मैच में से दिल्ली को ना 4 मैच जीतना जरूरी है, अगर 2 मैच यहाँ से हार जाएंगे तो प्ले ऑफ की रेस से बाहर भी हो सकते हैं। तो दिल्ली के लिए ना नॉकआउट जैसा है, हर मैच करो या मरो। अगर हम आज के मैच में इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो 2 चेंजेस हो सकते हैं। सरफराज खान आ सकते हैं किसकी जगह पर, ललित यादव की जगह पर, थोड़ा सा अपने बल्लेबाजी लाइनअप को और मजबूत करना चाहेंगे दिल्ली कैपिटल के दिलेर। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो खलील अहमद की वापसी हो सकती है चेतन सकारिया की जगह पर, अगर खलील अहमद पूरी तरह से फिट रह
रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो पृथ्वी शो जिस मैच में चलते हैं दिल्ली कहता है वाह वाह, नहीं तो पृथ्वी शो आते हैं आउट होकर चले जाते हैं दिल्ली को फंसा कर। बाकी डेविड वॉर्नर की बात करें बहुत अच्छी फॉर्म में है, इसी इल्माज और ऋषभ पंत ने पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेली। रूबेन पॉवेल की बात करें ये बंदा भी फॉर्म में आ चुका, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की बल्लेबाजी है वो बढ़िया चल रही है क्योंकि अक्षर पटेल भी बढ़िया फिनिश कर रहे हैं। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो शार्दुल ठाकुर लॉर्ड ठाकुर दिख नहीं रहा इस आईपीएल में, उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए। कुलदीप यादव बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन किसी मैच में थोड़ा सा महंगे साबित हो जाते हैं, जैसा कि पिछले मैच में जब कुलदीप महंगे साबित होते हैं तो दिल्ली के लिए थोड़ा सा ना मुसीबत हो जाता है। बाकी खलील अहमद की बात करें सभी मैचों में विकेट निकाले, द मुस्तफिजुर रहमान की बात करें ये भी सभी मैचों में विकेट निकाले, तो इनकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद ने भी 9 मैच खेला, 5 मैच जीता, 4 मैच हारे, इनको अपने बचे मैच में से 3 मैच जीतना है। तो यहाँ से अगर हैदराबाद एक आध भी मैच हारता है ना तो इसके लिए मुसीबत हो जाती है। तो सोच रहा होगा पहले 3 मैच जीत लिया जाए, प्ले ऑफ में जगह पक्की बना लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें एक चेंज हो सकता है, वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर जगदीशा सुजीत आपको खेलते नजर आ सकते हैं क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का थोड़ा सा फिटनेस का इशू चल रहा है। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो केन विलियमसन एक आध दो मैच में बढ़िया पारी आई, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी नहीं आई। लेकिन बात करें अभिषेक शर्मा, ये लड़का सभी मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। राहुल त्रिपाठी की बात करें तो नाम तो सुना होगा, सभी मैचों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। बाकी एडम माकरम और निकोलस पुरन भी बहुत अच्छा इनिंग को संभाल रहे हैं और फिनिश भी कर रहे हैं, तो इनकी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं जबरदस्त है। गेंदबाजी की बात करें तो ओहो क्या कहना है, जो हैदराबाद की गेंदबाजी ना काफी ज्यादा जबरदस्त है क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और मार्को यहां शुरुआत में स्विंग से परेशान करते हैं, उसके बाद टी नटराजन आता है यॉर्कर से परेशान करता है, उसके बाद जब उमरान मलिक आती है तो एक आंधी आती है, उस आंधी में सभी बल्लेबाज उड़ जाते हैं क्योंकि उमरान मलिक गेंदबाज ऐसा है ही यार, 154 की स्पीड से गेंदबाजी करता है, तो बल्लेबाजों के लिए तो मुश्किल होना ही होना है। और अगर हम बात करें जगदीशा सुचित की, जब जब मौका मिलता है बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, तो जो इनकी गेंदबाजी है ना वो काफी ज्यादा बेहतर चल रही थी। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो दिल्ली कैपिटल ने लास्ट के 6 मैच में 3 मैच जीता, 3 मैच हार गए, मतलब 1 मैच जीत रहे हैं तो 1 मैच हार रहे हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 184 रनों का, ओहो क्या एवरेज है इनका। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.63 ना हम बहुत अच्छा कह सकते हैं ना बहुत ही ज्यादा खराब कह सकते हैं। वहीं बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के, लास्ट के 6 मैच में 4 मैच जीता, बस 2 मैच हारे, इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 168 रनों का, 168 ठीक ठाक होता है, बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं कह सकते। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 7.79 दोस्तों ये खतरनाक है, मतलब जो इनके गेंदबाज हैं जबरदस्त गेंदबाजी करें। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें ना तो बल्लेबाजी में दिल्ली कैपिटल और गेंदबाजी में हैदराबाद आगे नजर आ रही। दोस्तों अब हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, इन दोनों टीमों का ना चेज और डिफेंड का रिकॉर्ड कैसा है एक दूसरे के सामने। तो दिल्ली कैपिटल को 15 मैच में चेज करने का मौका मिला हैदराबाद के सामने, बस 4 मैच में कर पाए, 11 मैच में नहीं कर पाए, यानी दिल्ली फिसड्डी साबित होता है हैदराबाद के सामने चेज करने में। हैदराबाद की बात करें तो इनको भी 14 मैच में चेज करने का मौका मिला, 5 मैच में कर पाए, 9 मैच में नहीं कर पाए, यानी हैदराबाद भी फिसड्डी साबित हो जाता है दिल्ली के सामने चेज करने में। दिल्ली कैपिटल ने जो हाईएस्ट स्कोर चेज किया है हैदराबाद के सामने 185 रन, और हैदराबाद ने जो हाईएस्ट स्कोर चेज किया है दिल्ली कैपिटल के सामने 187 रन। अगर हम डिफेंड की बात करें तो दिल्ली कैपिटल को 14 मैच में डिफेंड करने का मौका मिला, 9 मैच में कर लिया, 5 मैच में नहीं कर पाए हैदराबाद के सामने, यानी दिल्ली को हैदराबाद के सामने डिफेंड करने में मजा आता है। और हैदराबाद की बात करें इनको 15 मैच में डिफेंड करने का मौका मिला, दिल्ली के सामने 11 मैच में कर लिया, 4 मैच में नहीं कर पाए, यानी हैदराबाद भी दिल्ली के सामने डिफेंड करने में मास्टर साबित होता है। दिल्ली कैप्टन ने जो लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया हैदराबाद के सामने 155 रन, और हैदराबाद ने जो लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया दिल्ली कैपिटल के सामने 162-162 रन। तो भाई लोग आपने यहाँ पे देखा दोनों टीमें ना चेज करने में फंसती हैं एक दूसरे के सामने, लेकिन डिफेंड करने की बारी जब आती है दोनों टीमें कहते हैं हम किसी से कम है के। तो आज के मैच में कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा कि चेज और डिफेंड पे काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला। चलो फाइनली अब हम यही जानते हैं जो आज का मैच होगा कौन सी टीम कर सकती है अपने नाम। लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, आप सभी का वेलकम है। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियम अनुसार अगर हम इस मैच की बात करें ना, ये जो मैच है वो 50-50 दिल्ली कैपिटल और 50 सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन भाई लोग मुझे ऐसा लगता है जो आज का ये मैच होगा ना सनराइजर्स हैदराबाद अपने नाम पर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस मैच विल बी बिन टीम सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना कोविड का टाइम चल रहा है, कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, उस कंडीशन में क्या होता है टीमें बदल जाती हैं। भाई साहब जब टीम बदल सकती है तो मैच विनर भी बदल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ, तो आपके लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया ना बहुत ही फायदे में, आप सोच रहे अच्छा भाई ऐसा क्या तेरे टेलीग्राम पर जरा मुझे बता, तो भाई साहब मैं क्यों बताऊँ, ऐसा करो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, आईपीएल के 4-5 मैचों में मेरे साथ काम करना, आपको
इतना ज्यादा फायदा होगा ना, आप ही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं, जो आईपीएल के बच्चे मैच है उन सभी मैचों में अगर आपको फायदे में रहना है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। बस एक चीज का ध्यान रखना, फेक से सावधान। मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना ले गए और आपको पता जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा होगा। तो सही जगह कैसे आएंगे, इधर उधर और कहीं से टेलीग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेंगे वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।